वेलकम टू दीपूस किचन। आज हम बनाएंगे ड्राई खोबरे का ड्राई चटनी, सूखा चटनी जो वड़ा पाव के साथ आता है वो चटनी हम घर पे सीखेंगे। बहुत इजी रेसिपी है और 5 ही इंग्रेडिएंट्स उसको आप उसके लिए आपको लगेगा और वो सूखी चटनी खाने का भी बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे मैंने ड्राई कोकोनट लिया है, यहाँ पे तो मैंने इसको किस के लिया है, आप साबुत भी ले सकते हैं। हरा सूखा खोबरा मैंने यहाँ पे इसलिए किस के लिया है ताकि वो जल्दी से क्रश हो जाएगा, मिक्सर का जार खराब नहीं होगा, ये थोड़ा इजी होगा आपके लिए और मेरे लिए भी। यहाँ पे मैंने 2 लहसुन लिया है जिसका लास्ट वाला छिलका रखा है, बाकी का सब छिलका निकाल दिया है, एक एक छिलका जो रहता है वो ही रखा है। और 1 टेबलस्पून मैंने तिल लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है। अभी ये सबको हम एक मिक्सर के जार में रख देंगे। यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार लिया है, उसमें ड्राई कोकोनट, तिल, 1 टेबलस्पून तिल, लहसुन 20 से 25 कली जितना लहसुन है, नमक है, टेस्ट के अनुसार भी आप डाल सकते हैं, और लाल मिर्ची पाउडर। ये सबको साथ में मिक्स करके अभी हम क्रश करेंगे इसको। मैंने मिक्सर के जार में ये सब डाल दिया है, अभी इसको हम क्रश करेंगे। आपको इसको रफली क्रश करना है, पूरा पेस्ट नहीं बना देना है, तो स्लोली स्लोली आपको उसको क्रश करना होगा। देखिए आपको दिख रहा है, धीरे धीरे क्रश करेंगे तो वो साबुत चटनी रहेगा, ज्यादा ये नहीं होगा क्रश, तो वो खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं आप। थोड़ा और क्रश करेंगे, लहसुन की जो कली है वो अच्छे से क्रश हो जानी चाहिए। देखिए चटनी है वो इमीडिएटली रेडी हो गया है, उसको जरा सा भी टाइम नहीं लगता, 2 मिनट का टाइम है आपके पास तो चटनी रेडी हो सकता है। देखिए अभी हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। इसको आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, और कुछ भी फरसान बनाया तो उसके साथ भी खाने को अच्छा लगता है। थोड़ी देर में उसका जो पाउडर है, हमने पाउडर डाला था मिर्ची पाउडर, इसकी वजह से चटनी है वो धीरे धीरे और भी ड्राई होता जाएगा। अभी लहसुन डाला है तो वो थोड़ा पानी छोड़ता है, इसकी वजह से जरा सा ऐसा गीला जैसा लग रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे सूख के ड्राई हो जाएगा। अगर आप गरम तेल में ये डाल के खाएंगे तो भी आपको ये चटनी बहुत ही अच्छा लगेगा, थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें डाल दीजिए तो भी अच्छा लगेगा, और ऐसे ही खाया तो भी आपको ये चटनी बहुत अच्छा लगेगा, और वड़ा पाव के साथ तो ये चटनी लाजवाब लगती है। और ये महाराष्ट्र का फेमस वड़ा पाव चटनी है वैसे तो। देखो अभी रेडी है हमारा कोकोनट ड्राई कोकोनट चटनी।